दोस्तों, हम आपको सुना रहे हैं एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने जीवन के संघर्ष को अपनी सफलता की प्रेरणा बना लिया। मध्य प्रदेश की नीमच में रहने वाली आंचल गंगवाल हमारी इस कहानी की मुख्य पात्र हैं। आंचल के पिता सुरेश गंगवाल नीमच के बस स्टैंड पर चाय की दुकान चलाते हैं। आंचल अब भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से ही सेना में जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन उत्तराखंड की त्रासदी में वायुसेना की भूमिका को देखकर उन्होंने अपने संकल्प को हर हाल में पूरा करना तय कर लिया। वैसे आचर एक प्रतिभाशाली युवा है। वे भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए दो सरकारी नौकरी तक छोड़ चुके हैं। वे इसके पहले पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर और श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक के पद पर चयनित हो चुके हैं। आचल ने कहा, मुसीबतों से नहीं घबराने का सबक उन्होंने अपने पिता से सीखा है। आर्थिक परेशानियां जीवन में आती हैं, लेकिन मुश्किलों का मुकाबला करने का हौसला होना ज़रूरी है। वे कहती हैं, मेरा जीवन में सिर्फ एक लक्ष्य था, हर हाल में वायुसेना में जाना। आखिरकार 6वें प्रयास में सफलता मिल ही गई। आंचल गंगवाल के सपनों को उस समय पंख लग गए जब 20 जून 2020 को एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के सामने एयरफोर्स में कमीशनिंग हुई। आंचल सहित 123 कैडेट्स को भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड किया गया। आंचल की इस सफलता पर रेडियो इंदौर की शुभकामनाएं। हम तो यही कहेंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही किसी सफल शख्सियत के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर।